पिछले तकरीबन एक माह से हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतों में लंपी स्किन डिजीज नामी एक बीमारी जानवरों में फैली है और इसी बीमारी का असर राजौरी जिला में भी देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी तादाद है ऐसे जानवरों की जो LSD नामी यानी कि लंपी स्किन डिजीज नामी इस बीमारी में ग्रस्त पाए गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री महकमा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तेजी से इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाए और लोगों को भी जागरूक किया जाए कि किस तरह से इस बीमारी से जानवरों को बचाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर राजौरी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा किस तरह की कार्रवाई कर रहा है इस बीमारी से जानवरों को बचाने के लिए और किसानों को लोगों को किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है। जी सर, सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज नाम ये जो बीमारी है, इसे अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में एक आम गरीब किसान को समझाएं, वो कैसे समझाएंगे सर? जो लंपी स्किन डिजीज है, ये आपको मोटा मोटा तौर पर जो लोकल लैंग्वेज में हम बोल देंगे तो जो जानवर होगा हमारा उसमें एक बुखार आ गया, ठीक है। बुखार के साथ साथ उसको उसकी जो बॉडी के दाने आ जाएंगे, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में बोले दाने के बाद थोड़े से फोड़े टाइप हो, ठीक है। और कुछ केसेस में उनको क्या होगा कि जो बर्तन वाला एरिया होगा उसमें सोजिश आ जाएगी और उसके साथ साथ इसकी टांगों में सोजिश आएगी। ये इसके मेन मेन लक्षण है। और इसके साथ साथ उनके मुंह से जो है वो पानी निकलेगा और उसके साथ साथ आंखों से नाक से जो है उसको पानी आएगा। ये इसके जो मेन मेन लक्षण है। सर, महकमा किस तरह की कार्रवाई कर रहा है राजौरी ज़िला में वैक्सीनेशन के अखबार से, ताकि जानवरों को वैक्सीन दी जा सके और बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी जाए? हाँ, वैक्सीनेशन के रिलेटेड ये है कि हमें जो हमारे आई लैब से वैक्सीनेशन हमें रिसीव हुई है, अलबत्त अभी वो हमारे पास डोजेज थोड़ी है, कल तक और आ जाएगी। अभी हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे अनअफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ एपी सेंटर, उसमें होता क्या है कि हम देखते हैं जो जहाँ इन्फेक्शन आई है उसका एक एपी सेंटर बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द हम रिंग वैक्सीनेशन करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि 5 किलोमीटर के दायरे से हम करते करते जो है वो आते हैं और जो थोड़ी है कल तक और आ जाएगी। अभी हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे अनअफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ एपी सेंटर, उसमें होता क्या है कि हम देखते हैं जो जहाँ इन्फेक्शन आई है उसका एक एपी सेंटर बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द हम रिंग वैक्सीनेशन करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि 5 किलोमीटर के दायरे से हम करते करते जो है वो आते हैं और जो अनअफेक्टेड होंगे उन्हीं को हम वैक्सीनेट करें, अफेक्टेड को नहीं करते, क्योंकि अफेक्टेड में वैक्सीनेशन करना जो है वो डेट्रीमेंटल होगा, वो एक जोखिम वाला काम है। तो ये हमारे साथ थे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर राजौरी डॉक्टर माजिद अकरम साहब, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि महकमा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी इनके पास वसाइल हैं उसके मुताबिक वैक्सीनेशन को तेज़ी से चलाया जा सके और इस लंपी स्किन डिजीज़ नामी बीमारी के खिलाफ जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जा सके। राजौरी से मैं सुमित पारगढ़।